हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में। दोस्तों, जैसा कि आप समझ देख पा रहे होंगे, थंबनेल पे भी आपने देखा होगा और अभी आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, आपका जो बीएसएससी बिहार एसएससी का जो इंटर लेवल का दूसरा पेपर होने वाला है, जो पहले एक हो रखा है और दूसरा अब होगा, जिसके फॉर्म्स चालू हो चुके हैं। फॉर्म्स आपका 11 तारीख तक, नवम्बर तक भराएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम आपके लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। इस वीडियो में पूरा का पूरा जो प्री का जो पेपर है, बीएसएससी जो पहला हो चुका था, बिहार एसएससी इंटर लेवल पे जो पहला पेपर हुआ था, ठीक है, उसका जो प्री का पेपर था, वो हम पूरा इसमें डिस्कस करने वाले हैं। 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 150 क्वेश्चंस, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो 150 क्वेश्चंस लिखा हुआ, 150 के 150 क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट्स इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आने वाले पेपर के लिए, वो एक दफ़ा इसको ज़रूर देखें, ताकि आपको एग्ज़ाम में आने का आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि काफ़ी समय हो गया है, बट ठीक है, फिर भी क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं होंगे, क्वेश्चन इसके उसी लेवल के आसपास घूमते हैं, ठीक है। तो आप अगर पूरी वीडियोस को देख रहे हो, इसकी जो खास एक प्लेलिस्ट है वो मैंने अलग से बना दी है। एक वीडियो आज डाल रहा हूँ, एक नेक्स्ट वीडियो, एक और दो पेपर हुए थे, एक पेपर और आएगा प्री का आपका, उसका भी बन जाएगा वीडियो। तो आप लोग चैनल से बने रहिएगा, जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल से ज़रूर जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो पेपर आपका हुआ था कब, 29 जनवरी 2017 को पेपर ये हुआ था, ठीक है। इसका रिज़ल्ट हाल फिलहाल में ही आया है, साल डेढ़ साल हुए हैं इसका रिज़ल्ट आए हुए। काफ़ी समय लग गया था पिछले पेपर को क्लियर करने में, मतलब 13 या 14 में फॉर्म आया था, उसके बाद पेपर देख लो आप कब हुआ है, और रिज़ल्ट फिर आपका 20 या 21 में आया है, ठीक है। बट इस बार उतना देर नहीं किया जाएगा, इस बार इलेक्शन को लेके जो फॉर्म आया है वो इलेक्शन तक कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको इस पेपर के लिए अगर प्रिपेयर होना है तो आपने इस वीडियो को पूरा देख लेना है। 150 क्वेश्चन इसमें है, सारे सेक्शंस के क्वेश्चन हैं, जीके, साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, सारे की सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। एंड हाँ, चैनल पे मैं अलग से एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, इसको इसमें फॉर्म कैसे भरते हैं वो भी वीडियो मैंने बना रखी है। फॉर्म अगर जिन लोगों को भरने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो घर से बिना पैसे वेस्ट किए साइबर कैफे में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हो, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप लोग जा सकते हो, देख सकते हो फॉर्म कैसे फिल हो। नहीं तो बहुत सारे कैफे में आप जाओगे तो वो 100-150-200 रुपये आपसे ऐसे ही ले लेंगे, जिसका कोई मतलब बनता नहीं है। बिल्कुल आप अपने घर पे बैठे, अगर आपके पास नेट है, आप अपने फ़ोन से फॉर्म को बहुत ईजिली भर सकते हो, ठीक है। दूसरा, फॉर्म की सारी जानकारी की वीडियो भी मैंने बना रखी है, फॉर्म कैसे भरना है वो भी बना रखी है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर आपको भी मैं डाल दे रहा हूँ चैनल पे, जिन लोगों को देखना होगा वो देखेंगे। और हाँ, अगर और भी कुछ आपको इस रिलेटेड, इस कोर्स से रिलेटेड आपको कुछ वीडियोज़ चाहिए होंगे, जैसे बिहार के जीके को लेके, मैथ्स को लेके, रीजनिंग को लेके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, अगर मेजोरिटी वहाँ पे आएगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज़ फिर ठीक है, मैं रहने दूंगा। बट प्रीवियस ईयर पेपर की ज़रूरत होगी काफ़ी लोगों को, इस कारण से मैं वीडियो बना दे रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन से। देखो, सबसे पहला क्या होता है ना, इस पेपर में आपका मिक्स होता है, जैसे सारे पेपर में आप देखते होंगे कि 25-25 क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं वो सीक्वेंस में पूछे जाते हैं। पहले अगर रीजनिंग का शुरू हो रहा है तो पहले 25 क्वेश्चन रीजनिंग के मिलेंगे, फिर अगर मैथ्स का हो रहा है तो पहले 25 क्वेश्चन फिर मैथ्स के मिलेंगे। बट इस पेपर में 150 क्वेश्चन में आपको इधर उधर किया हुआ मिलता है, ठीक है। कहीं पर सीक्वेंस मिल जाएगा आपको, 10-12 क्वेश्चन लगातार मिलेंगे उसी सेक्शन के। बस होता क्या है कि आपको इस पेपर में प्योर सीक्वेंस नहीं दिया जाता है, आपको इस पेपर में कहीं पे भी क्वेश्चन, जैसे पहले 10 क्वेश्चन हो सकता है रीजनिंग के चले, फिर बीच में मैथ्स जीके आ जाए, तो इस टाइप से होगा। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट वाज, गिर, टाइगर, राइनो और हंगुल। तो इसका ऑप्शन आपका टाइगर हो जाएगा। सारे के सारे आपको आंसर नीचे में आपको लिखे हुए मिलेंगे, ऑप्शन करेक्ट नंबर ऑप्शन 2, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट वाज कौन सा था, तो आपका टाइगर था। सेकेंड क्वेश्चन पर अगर हम चलें, सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट, व्हेन वाज नीति आयोग स्टार्टेड, नीति आयोग जो था वो कब स्टार्ट हुआ था, तो वो आपका हुआ था जनवरी 2015 में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज द फाउंडर ऑफ पौनार आश्रम, इस आश्रम के जो फाउंडर थे वो कौन थे, वो थे आपका विनोबा भावे। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है, हिंदी, डोगरी, उर्दू और पंजाब, तो वो ऑफिशियल लैंग्वेज उनका क्या है, उर्दू है। हाँ, काफ़ी लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भाई पेपर तो ऑफलाइन हुआ था तो ऑनलाइन में कैसे मिल रहा है, तो भाई पेपर ऑफलाइन हुआ था, कंपाइल किया गया है इंग्लिश में, और जो लोग इसको एज इट इज़ देखना चाहते हैं, ये हमें मिला है कहाँ से, किसकी सहायता से मिला है, ये हमें टेक्स्ट बुक के हेल्प से मिला है। टेक्स्ट बुक पे ये पेपर ऑलरेडी अपलोडेड है, जिन लोगों के पास सब्सक्रिप्शन है वो लोग जाके सीधे सर्च करेंगे बीएसएससी इंटर लेवल, वहाँ आपको प्रीवियस ईयर पेपर के सेक्शन में ये दो पेपर आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से डायरेक्टली अटेम्प्ट भी कर सकते हो, अपना स्कोर चेक कर सकते हो, ठीक है। जिनके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है,
सब्सक्रिप्शन उसका कुछ खास महंगा है नहीं, आप 300 से 400 रुपये में, 300 से 400 रुपये में पूरे साल भर का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और किसी भी एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन आप उससे कर सकते हो, टेस्ट दे सकते हो। दूसरा, अगर आप किन्हीं के पास सब्सक्रिप्शन नहीं है वो लोग इस वीडियो के साथ जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, हमने क्वेश्चन नंबर 4 देख लिया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, जापान पार्लियामेंट इज कॉल्ड, जापान के पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है, तो डाइट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, रियल इज़ द करेंसी ऑफ, रियल जो है, रियाल जो है वो किस करेंसी का, किस कंट्री का करेंसी है, तो वो आपका है सऊदी अरेबिया का। क्वेश्चन नंबर 7, द कलर ऑफ व्हील इन इंडिया फ्लैग इज, इंडिया फ्लैग में जो कलर ऑफ व्हील है वो क्या होता है, तो ये तो बहुत आसान होगा, ये कलर क्या होता है, ब्लू होता है। क्वेश्चन नंबर 8, हु ट्रांसलेटेड वंदे मातरम इन टू इंग्लिश, वंदे मातरम जो है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया है, तो ये अरबिंदो घोष जी ने किया है। वंदे मातरम को इंग्लिश का, इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन किया है वो किसने किया है, अरबिंदो घोष ने। नेक्स्ट, चैत्रा यूजुअली फॉल्स ऑन दिस डे, चैत्रा जो है वो कौन से डे में मतलब जनरली इंटर करता है, तो वो कौन सा करता है, जनरली जो वो करता है वो मार्च 22 को। क्वेश्चन नंबर 10, सत्यमेव, क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम हेयर, कहाँ से सत्यमेव जयते को लिया गया था, कहाँ से लिया गया था, आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, मुंडाक उपनिषद से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इन मार्च 2016 गतिमान एक्सप्रेस, इन मार्च 2016 गतिमान एक्सप्रेस वॉज ट्रायल बिटवीन दिल्ली एंड द फॉलोइंग सिटी, गतिमान एक्सप्रेस को जो ट्रायल लिया गया था वो दिल्ली और एक दूसरे कौन सा सिटी के बीच में लिया गया था, वो लिया गया था आपका दिल्ली और आगरा के बीच में। क्वेश्चन नंबर 12, द मेन ट्राइब फाउंड इन तमिलनाडु इज, जो तमिलनाडु में जो मेन ट्राइब फाउंड किया जाता है मतलब जो जनरली वहाँ मिलते हैं वो कौन से होते हैं, वो होता है आपका इरुला, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, जरवार ट्राइब इज फाउंड हेयर, जरवार ट्राइब जो है वो कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है आपका अंडमान में। क्वेश्चन नंबर 14, द ऑथर ऑफ आनंद मत वाज, द ऑथर ऑफ, ये जो एक बुक है इसके ऑथर कौन थे, तो ऑथर आपके थे बंकिम चंद्र, इनके आगे अगर आप पूरा नाम कहो तो बंकिम चंद्र चटर्जी भी इनको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, हु रोट द ऑडेसिटी ऑफ होप, इस बुक, इस किताब को भी किसने लिखा है, द ऑडेसिटी ऑफ होप, इसको लिखा है ओबामा ने, ठीक है, बराक ओबामा। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड एब्रिविएशन एडी डिस्क्राइबिंग टाइम, जो एब्रिविएशन एक दिया जाता है एडी, जो टाइम के पीरियड को दिखाने के लिए होता है, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है एनो डोमिनी। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर दिख रहा होगा आफ्टर डेथ, ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 यहाँ पे एनो डोमिनी। क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन इज मार्टियर्स डे सेलिब्रेटेड, ये जो मार्टियर्स डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, वो आपका किया जाता है 30 जनवरी को, ठीक है, मार्टियर्स डे कब मनाया जाता है, 30 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द फियर ऑफ नॉट हैविंग एक्सेस टू योर मोबाइल फ़ोन, लूजिंग एक्सेस इज कॉल्ड, जो आपको एक फियर हो जाता है कि आपके पास आपका फ़ोन नहीं है, आप अपना फ़ोन एक्सेस नहीं कर पा रहे, उस फियर को हम क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है नोमोफोबिया, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नोमोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, फर्स्ट फिल्म डायरेक्टेड बाय सत्यजीत रे ने जो पहला फिल्म डायरेक्ट किया था वो कौन सा था, तो वो है आपका पत्थर पंचाली, कौन सा किया था, पत्थर पंचाली। क्वेश्चन नंबर 20, वेयर इज़ द लार्जेस्ट म्यूजियम ऑफ इंडिया, इंडिया का जो लार्जेस्ट म्यूजियम है वो कहाँ पे है, वो है आपका कलकत्ता में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, हु रोट पंचतंत्र, पंचतंत्र को किसने लिखा था, तो विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र को लिखा है। फिर हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, हु वॉज फेमस फॉर हिज नॉलेज ऑफ आयुर्वेद, आयुर्वेद के नॉलेज के लिए कौन फेमस हुए थे, तो हुए थे धन्वंतरी, आयुर्वेद के नॉलेज के लिए धन्वंतरी फेमस हुए थे। क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन डिड आईपीएल क्रिकेट स्टार्ट, कब स्टार्ट हुआ था, तो ये तो सबको पता होगा जो लोग भी क्रिकेट देखते हो, 2008 में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24, हुज़ निकनेम इज़ द वॉल किसका निकनेम है, तो सब लोग जानते होंगे राहुल द्रविड़ को द वॉल के नाम से जाना जाता है एक्चुअली आज भी।
वेयर इज़ द हेड क्वार्टर्स ऑफ रेड क्रॉस, रेड क्रॉस का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है, स्विट्जरलैंड, यूके, ऑस्ट्रिया और स्वीडन, तो स्विट्जरलैंड में इसका हेड क्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर 26, हु एक्सपेल्ड दाऊद फ्रॉम पटना एंड हाजीपुर, ठीक है किसने किया था, तो ये किया था अकबर ने। 27, हाउ मैनी जेम्स वेयर देयर इन अकबर का कोर्ट, अकबर कोर्ट में उसके कितने जेम्स थे, तो कितने थे, 9 थे, 9 रत्न, जिसे पहले जेम्स को आप रत्न के तौर पे लोगे, कितने रत्न थे अकबर के, तो 9 थे। क्वेश्चन नंबर 28, बिफोर गोवा विच वॉज द कैपिटल ऑफ पोर्तुगीज इन इंडिया, गोवा के पहले पोर्तुगीज का जो कैपिटल था इंडिया में वो कौन सा था, तो वो आपका गोवा के पहले कौन सा था, कोचीन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, वेयर वॉज गुरु नानक बॉर्न, गुरु नानक कहाँ पे जन्म लिए थे, कहाँ पे लिए थे, तल वंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, वेयर डिड द ब्रिटिश सेंड बहादुर शाह टू आउट ऑफ द कंट्री, आउट ऑफ द कंट्री जब उनको भेजा गया था तो उन्हें कहाँ पे भेज दिया गया था, भेजा गया था रंगून। क्वेश्चन नंबर 31, हु डिड द फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ अभिजन्मा शकुंतला, इसका जो है पहला इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया था, वो किया था जॉन निकोलसन ने। क्वेश्चन नंबर 32, हु वॉज द लास्ट फॉर्मर वाइसरॉय ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ब्रिटिश रूल जब इंडिया में था तो उस दौरान लास्ट फॉर्मर वाइसरॉय कौन था, आपका ऑप्शन नंबर 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा, माउंट बैटन। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 33, व्हेन डिड चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट, चंपारण सत्याग्रह जो था वो शुरू कब हुआ था, वो आपका 1917 में शुरू हुआ था। ये क्वेश्चन तो हाल ही में एसएससी ने भी पूछा था, अभी जो मेन एसएससी कराती है, जो सेंट्रल वाली होती है, उसके सीएचएसएल के पेपर में शायद ये क्वेश्चन अभी चंपारण सत्याग्रह का आया था, हाल में ही हुआ था पेपर, 20 या 25 या एक महीने पहले जो पेपर हुआ था उसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, हु स्टार्टेड द नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर, ये जो न्यूज़पेपर है वो किसने स्टार्ट किया था, तो वो स्टार्ट किया था जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 35, हु वॉज मैगंथनीज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, कौन थे, तो वो थे अम्बेसडर। क्वेश्चन नंबर 36, अमॉन्ग द सिम्बल्स एसोसिएटेड विथ ओकेजन्स रिलेटेड टू बुद्धा द स्तूपा सिम्बलाइज डेथ, फर्स्ट सेरोन, बर्थ या होम अबेंडेंट, तो करेक्ट ऑप्शन जो है आपका वो डेथ हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका जो ऑप्शन करेक्ट है वो डेथ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, द लास्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टीज, गुप्ता डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे वो कौन थे, वो आपके विष्णुगुप्त थे। क्वेश्चन नंबर 38, अबैकस वॉज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग, अबैकस जो है वो डिस्कवर हुआ था, कब हुआ था, सैंग सिविलाइजेशन के दौरान ये डिस्कवर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39, विच कंट्री रूल्ड जर्मनी इन 18th century, 18th century में जर्मनी को किस कंट्री ने रूल किया था, फ्रांस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 तक हम लोग पहुंच गए हैं। 40 क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल मेंबर्स इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म एक कॉर्म इन बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा इन इंडिया, कितने मेंबर्स की ज़रूरत होती है, तो 1/10 की ज़रूरत होती है। 41, वेयर इज़ द वीकली चार्ली हेडो पब्लिश्ड, ये जो है वो कहाँ पे पब्लिश हुआ था, आपका पेरिस में इसको पब्लिश किया गया था। H1N1 इज़ कॉज्ड बाई, ये जो है किसके द्वारा, किससे कॉज्ड होता है, तो ये होता है आपका वायरस से। 43, वेयर डज़ द फेमस लिटरेचर फेस्टिवल टेक प्लेस, जो लिटरेचर का एक जो फेस्टिवल है फेमस लिटरेचर का वो कहाँ पे होता है, वो आपका कहाँ पे किया जाता है, जयपुर में। 44, व्हाट इज़ द स्टेट फ्लावर ऑफ यूपी, यूपी का जो स्टेट फ्लावर है वो क्या है, तो वो है आपका पलाश। क्वेश्चन नंबर 45, वेयर इज़ वाल्मीकि नेशनल पार्क लोकेटेड, वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे लोकेट किया जाता है, तो ये अपने ही बिहार में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, वेयर वॉज द फर्स्ट वुलन टेक्सटाइल मिल ओपन इन इंडिया,
पहला जो वुलन टेक्सटाइल मिल था इंडिया में वो कहाँ पे ओपन हुआ था? वो हुआ था आपके कानपुर में, ठीक है। पहला जो वुलन का टेक्सटाइल मिल कहाँ इंडिया में आया था, वो आया था कानपुर में। 47, हाउ मेनी मेन वेराइटीज़ ऑफ नेचुरल सिल्क आर देयर? जो नेचुरल सिल्क होते हैं उसके मेन वेराइटीज़ कितने होते हैं? मेन वेराइटीज़ आपके होते हैं 4, सॉरी, हाँ ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कितना है, कितने वैरायटीज़ हैं नेचुरल सिल्क के? तो ऑप्शन में आपका कंफ्यूज मत होइएगा, ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में 2 है, ऑप्शन नंबर 2 में 4 है, ऑप्शन नंबर 3 में 6 है और ऑप्शन नंबर 4 में 8 है। तो हमारे कितने वैरायटीज़ हैं, 4 हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 48 पे बढ़ें, तो वेयर इज़ जालियांवाला बाग लोकेटेड? जालियांवाला बाग जो है वो कहाँ पे लोकेट किया जाता है, तो वो आपका है कहाँ पे, अमृतसर में। क्वेश्चन नंबर 49, वेयर डिड गुरु गोविंद सिंह गेट हिज एजुकेशन एंड वेयर डिड ही लर्न पर्शियन? वो गुरु गोविंद सिंह कहाँ से उन्होंने अपना एजुकेशन प्राप्त किया और कहाँ पे उन्होंने पर्शियन को सीखा? तो आनंदपुर साहिब में उन्होंने ये दोनों काम किया। क्वेश्चन नंबर 15, अमजद अली खान इज़ नोन फॉर प्लेइंग, ये जो अमजद अली खान है वो किस गेम को प्ले करने के लिए या किस चीज़ को, किस इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने के लिए जाने जाते हैं? सरूद, सरंगी, सितार या तबला? तो ये सरूद को प्ले करने के लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, अब यहाँ से देखो, क्वेश्चन नंबर 51 से लगभग हमारा साइंस शुरू हो रहा है, साइंस वो पहले 50 क्वेश्चन आपके उसके हो गए। व्हाट इज़ द साइज ऑफ पार्टिकल टू विच द लॉज ऑफ क्लासिकल फिजिक्स अप्लाई? उस साइज पार्टिकल्स के साइज़ कितने होते हैं, तो वो होता है आपका 10^-7 एम से ज़्यादा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑप्शन कह रहा है, विच ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट द व्हील ऑफ ए कार मूविंग ऑन द रोड? चलिए, तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, मतलब कार के घूमने से जो मतलब क्या होता है, विच ऑप्शन करेक्ट अबाउट द व्हील ऑफ कार मूविंग ऑन द रोड? एक जो कार का चक्का है वो जो मूव करे रोड पे, उसके लिए इसमें आपको सही ऑप्शन करेक्ट करना है, चूज करना है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है, स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर काइनेटिक फ्रिक्शन और फिर जाके आपका आएगा रोलिंग फ्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीड ऑफ साउंड एंड द डेंसिटी ऑफ मीडियम? स्पीड ऑफ साउंड में और डेंसिटी ऑफ मीडियम में क्या रिलेशन होता है? ये आपका होता है ये वी स्क्वायर, मतलब जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी 1/p के। What is the range in nm of violet light? कितना रेंज होता है? तो रेंज आपका होता है 380 से लेके 450 तक। क्वेश्चन नंबर 55, What is useful for looking inside a patient body? पेशेंट बॉडी के अंदर देखने के लिए क्या यूजफुल होता है? वो होता है आपका कन्वेक्स लेंस। 56, Which is the longest night in the northern hemisphere? Northern hemisphere में सबसे लंबा रात कौन किस दिन होता है? वो होता है आपका December 22 को। 57, Where is the city of Graz? City of Graz कहाँ है? वो आपका है ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 58, What is the amplitude of quantity ut+ 1/2 at² the sign means normally? क्या होता है इसका मतलब L। 59, What happens when light enters another medium? जब light एक medium से दूसरे medium में जाती है तब क्या होता है, उसकी frequency बदलती है? Frequency does not change, नहीं बदलती है। Speed does not change, speed नहीं बदलता है। या its wavelength does not change, इसका wavelength नहीं बदलता है। तो दूसरा जो option है आपका correct हो जाएगा, उसका जो frequency है वो नहीं बदलता है। क्वेश्चन नंबर 60, द HCF एंड LCM ऑफ टू डिजिट X एंड Y आर 4 and 8, मतलब HCF उस नंबर HCF और LCM दिया हुआ है यहाँ पे X एंड Y का 4 और 8, व्हाट इज विल बी द वैल्यू ऑफ XY, मतलब आपको प्रोडक्ट पूछा है। आप सॉल्व करोगे, आपको आंसर दिया हुआ है, 1 में है आपका 192, 48, 86 या 4, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, 192। जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करोगे दोनों को कितना आ जाएगा, 160 and 32, जैसे आप 48 और 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 192।
क्वेश्चन नंबर 61 है आपका फिर से एलसीएफ एलसीएम से. व्हाट इज ट्रू अबाउट द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू फ्रैक्शन. किसी भी दो फ्रैक्शन के एचसीएफ और एलसीएम के बारे में क्या सही है. एचसीएफ बराबर एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर बाई एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, या एचसीएफ बराबर एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर बाई एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, एलसीएम बराबर एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर ऑफ एलसीएम, या नन ऑफ दीज. ऑप्शन नंबर वन जो है कि एचसीएफ न्यूमरेटर का जो एचसीएफ है वो दोनों का बराबर होगा डिवाइडेड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर. नीचे वाले का जो डिनोमिनेटर होगा उसका एलसीएम हम लेंगे और एचसीएफ जो ऊपर वाले का होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा. क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ. इसका आपको ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है 140, 108 और 48 का. तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो 4 जो है वो आपका सही हो जाएगा. व्हाट इज 5 डिग्री फ़ारेनहाइट इन सेल्सियस. 5 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में आपको चेंज करना है, कितना हो जाएगा, -15 डिग्री. 64, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज एंड डिस्टेंस आर बिटवीन देम. रिलेशन आपको बताना था तो रिलेशन हो जाएगा एफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r². क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट इज ट्रू अबाउट द मैग्नेटिक सस्पेंसिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. क्या ट्रू है, लो मोर 3/4 कितना हो जाएगा, मोर 66. व्हाट इज सिंपल फॉर्म ऑफ 12^(1/2). इसका एक अगर सिंपलेस्ट फॉर्म बोलें तो क्या हो जाएगा, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा 2√3. ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आपको पूछे जाते हैं, ठीक है. इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, इसको 2√3. फिर क्वेश्चन नंबर 66 कर लिया हमें. 67, क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है, अ डिजिट विच वन सब्ट्रैक्टेड 15 फ्रॉम 7 टाइम दैट डिजिट द गिव 10 मोर देन ट्वाइस दैट डिजिट. व्हाट इज दैट नंबर. एक डिजिट है जब 15 सब्ट्रैक्ट, मतलब अ डिजिट विच वन सब्ट्रैक्टेड 15 फ्रॉम 7 टाइम दैट, एक डिजिट है उसके 7 गुना से जब 15 को घटाया जाता है तो वो अपने गिव 10 मोर देन ट्वाइस दैट डिजिट, वो अपने नंबर के 2 गुना से ज़्यादा, 2 गुना से 10 गुना ज़्यादा देता है, तो वो नंबर कौन सा होगा, वो नंबर आपका 5 होगा. आप सॉल्व करके देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 68, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 16 इयर्स बिटवीन द एज ऑफ एल्डर राम एंड यंगर श्याम. एल्डर राम है मतलब राम बड़ा है और श्याम छोटा है, ये आपको बता दिया गया है. दोनों के एज का डिफरेंस 16 साल दिया गया. 6 ईयर्स पहले राम वाज 3 टाइम ओल्ड एज श्याम, मतलब 6 साल पहले राम श्याम जितना था उसका राम 3 गुना था, ठीक है. तो व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ राम, तो राम का प्रेजेंट एज क्या होगा, ये क्वेश्चन आपको दे रहा था. इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका आएगा 30 ईयर्स. आप लोग सॉल्व कर लेना, क्योंकि अगर मैं 150 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराने लगूँगा जैसे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा खींच जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है. तो आप लोग क्वेश्चन में ज़्यादा कोई दम नहीं है, एज का रिलेशन है. आप रेशियो जैसे ही लगाओगे, रेशियो को इस फॉर्म में लाओगे क्वेश्चन में, जैसे ही आप रेशियो को घुसाओगे क्वेश्चन बिल्कुल ईजिली सॉल्व हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 69, ए बी टेक 4 days टू फिनिश अ वर्क, मतलब ए बी दोनों मिलके 4 दिन लेते हैं किसी काम को फिनिश करने में. ए अलोन कैन डू, मतलब ए अकेला उस काम को 12 दिन में करता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है. तो यहाँ से आपको पहले क्या करना है, टोटल वर्क निकाल लेना है. ए का अकेला 1/12 आएगा, टोटल आप जब 4 दिन में लोगे तो दोनों मिलके 1/4 कर रहा है, 1/4 माइनस 1/12 कर दोगे तो जो भी आंसर आएगा वो आएगा बी का 1 दिन का. उसको जैसे ही आप उल्टा करोगे, जैसे यहाँ पे आंसर में क्या दिया हुआ है 12, आप इसको 1 दिन का निकालना है तो इसको हम लिखते हैं 1/12, तो 1/4 माइनस 1/12 जो भी आंसर आएगा आपका बाई में आएगा, उसको जस्ट ऊपर कर देना, उतना ही दिन में पूरा करेगा बी अकेला, ठीक है. मैंने तरीका बता दिया, आंसर आपका इसका आएगा 6 days, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 70 का क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द लोएस्ट डिजिट अमॉन्ग, इनमें से सबसे छोटा डिजिट कौन सा है, तो छोटा डिजिट कौन सा है, 3/10. क्वेश्चन नंबर 71, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 बुक इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स बुक, मतलब सीपी 20 बुक का सीपी एक्स बुक के एसपी के बराबर है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन इफ द प्रॉफिट इज 25%. 25% का अगर प्रॉफिट होता है, 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू आप चेंज कर लेना, वहाँ से आप इसको इजीली सीपी, इतने सीपी को इतने एसपी के बराबर आप रखोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा. आंसर आपका क्या आ जाएगा, 16. क्वेश्चन नंबर 72 आपको सिंपली सॉल्व करना है, 7500 प्लस इतना कितना होगा, सॉल्व करोगे तो आपका 7500
25 आ जाएगा आंसर, ठीक है। आप इस फ्रैक्शन वाले को पहले तो सॉल्व कर लेना शॉर्टेस्ट फॉर्म में, बिल्कुल ही कट जाएगा पूरा। इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो 0 0 कट जाएगा, 5 से ऊपर 25 हो जाएगा, 7500 प्लस 25 करोगे तो 7525, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल इजीली आ जाएगा। CH4 इसका विच हैज़ द SP हाइब्रिडाइज कार्बन, इसमें से कौन सा SP का हाइब्रिडाइज कार्बन है, तो आपका है ये वाला CH ट्रिपल बॉन्ड और CH 74। क्वेश्चन नंबर 74, व्हाट इज़ द एच बॉम्ब बेस्ड ऑन, एच बॉम्ब किस पे बेस्ड है, न्यूक्लियर फिजन पे, न्यूक्लियर फ्यूजन पे, एक्सेशन रिएक्शन पे, आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन पे। ये आपका क्वेश्चन आंसर नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 न्यूक्लियर फ्यूजन पे बेस्ड है। 75, हुज ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज -1, किसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 ही रहता है, वो आपका है F का। 76, 1 mole ऑफ CO2 contains, मतलब CO2 का 1 mole क्या contains करता है, वो 6 × 10⁻²⁷ C atoms को contain करता है। क्वेश्चन नंबर 77, फॉर N2 प्लस O2 2NO कि क्या इसमें से होगा, ठीक है, तो KC बराबर KP आपका हो जाएगा। 78, द प्रिंसिपल डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर इक्वल टू H/4π इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है, तो हंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इसे हम कहते हैं। हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर आर पॉसिबल, स्पिन क्वांटम नंबर के कितने वैल्यूज पॉसिबल हैं, तो 2 वैल्यूज इसके पॉसिबल हैं। क्वेश्चन नंबर 80, द फॉर्मूला ऑफ फॉस्फेट ऑफ मेटल इज MHPO4, द फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड विल बी, जब देखो एक का फॉर्मूला आपको दे दिया है, दूसरा का फॉर्मूला आपको पूछ रहा है, तो उसका फॉर्मूला जो होगा वो MCl2 होगा। क्वेश्चन नंबर 81, व्हाट इज पर्सन, व्हेन ए पर्सन हंगरी द फर्स्ट थिंग अ पर्सन यूज इज हिज, मतलब जब एक पर्सन भूखा है तो वो क्या यूज़ करेगा पहले, ग्लाइकोजन फैट ब्लड प्रोटीन या मसल प्रोटीन, तो वो सबसे पहले ये यूज़ करता है। 82, विच वन इज नॉट अ प्रोटीन, इनमें से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है, लिम्फोसाइट जो है वो प्रोटीन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज नॉट प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा, इसमें से कौन सा एक आयन है जो ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट नहीं होता है, तो कौन सा नहीं होता है, Cu। 84, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ए होलोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अमीबिया लायन यूगलेना और अर्थवर्म, तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है यूगलेना बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट स्टेरॉइड ऑरल कैविटी स्टोमक पैनक्रियाज गॉल ब्लैडर, तो ये आपका हो जाएगा गॉल ब्लैडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोड्यूसेस एनर्जी इन प्लांट सेल यूजिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्या कौन सा हो जाएगा आपका, क्लोरोप्लास्ट। 87, वायरसेस हैव, वायरस के पास क्या होता है, ओनली DNA, ओनली RNA, बोथ RNA DNA, आइदर RNA और DNA, इन दोनों में से कोई एक होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, या तो RNA होता है या तो DNA होता है। क्वेश्चन नंबर 88 पे हम पहुँचे, द साइज ऑफ द पार्टिकल्स डिस्पोज इन एन इमल्जन रेंज बिटवीन, किस रेंज में होता है आपका, तो होता है आपका 10 से लेके 100 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो, हाउ मेनी एक्लिक चेन आइसोमर्स ऑफ C6H14 आर पॉसिबल, कितने होते हैं, 5। नेक्स्ट, इफ द ब्लड ग्रुप ऑफ बोथ द पेरेंट्स इज AB, मतलब दोनों ही पेरेंट के ब्लड ग्रुप क्या हैं, AB हैं, देन द पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑफ देयर चिल्ड्रन, तो उनके जो चिल्ड्रन होंगे उनके पॉसिबल ब्लड ग्रुप क्या हो सकते हैं, तो वो होंगे या तो A होगा या B होगा या AB होगा, मतलब दोनों टूट जाएगा, AB अलग अलग टूटेगा या AB साथ में ही जुटा रहेगा, ठीक। नेक्स्ट, वेयर इज़ द वेटेस्ट प्लेस इन वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में जो सबसे वेटेस्ट प्लेस है वो कहाँ पे है, कौन सा है, एशिया, ओशिनिया, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया, तो एशिया जो है वो सबसे वेटेस्ट प्लेस में आता है ऑल ओवर वर्ल्ड। लाइंस कनेक्टिंग इक्वल डेप्थ ऑफ सी ऑन अ मैप आर कॉल्ड, मतलब जो लाइन होता है जो इक्वल डेप्थ को कनेक्ट करता है सी में, वो उस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोनॉर्मल, आइसोनॉर्मल, आइसोबाथ या आइसोहाइप्स, तो क्या कहते हैं हम लोग, आइसोबाथ। क्वेश्चन नंबर 93, इस कोल्ड एंड ड्राई विंड कौन सा है जो यहाँ पे अगर मान लो डैश रहेगा
इसमें से इनमें से कौन सा एक हम कोल्ड और ड्राई विंड के नाम से जानते हैं, तो बोरा को हम कोल्ड एंड ड्राई विंड के नाम से जानते हैं। 94 विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ इन दिल्ली, इसमें से कौन सा रिवर जो है वो दिल्ली में है, तो यमुना जो है आपका दिल्ली में है। 95 इरावडी रिवर्स मीट, इरावडी जो रिवर है वो कहाँ पे मीट करता है, तो वो आपका बे ऑफ बंगाल में जाके मिलता है। नेक्स्ट अ शैलो स्ट्रेच ऑफ रिवर दैट कैन बी क्रॉस बाय फुट और बाय कार इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, फॉर्ड। नेक्स्ट विच इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, मतलब जो वर्ल्ड में सबसे बड़ा आइलैंड है वो कौन सा है, वो आपका है ग्रीनलैंड। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोजिट फ्रूट, कौन सा एक कंपोजिट फ्रूट है, ठीक है, तो मलबेरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड बाई एक्वस डिकम्पोजिशन ऑफ फैट बाई लेप्स, से कौन सा होता है, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल, इसका ऑप्शन नंबर जो 2 है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 100th क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं, इसके बाद 50 क्वेश्चन और है। देखो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम बाय, कितने टाइम से वो आगे होता है, वो होता है आपका 5.5 घंटा 5.5 आवर से। 101 हाउ मेनी डेज विल बी देयर 26 जनवरी 2008 से लेके 15 मई 2008 तक, अब शायद रीजनिंग का पार्ट शुरू हो चुका है। 26 जनवरी 2008 से लेके 15 मई 2008 तक कितने दिन होंगे, आप सिंपली कैलकुलेट भी कर सकते हो, 111 दिन होंगे। अब क्वेश्चन आया है आपका ए बी, ए एंड बी आर आइदर सेम एज और ए इज़ ओल्डर देन बी, कहा गया है ए बी या तो सेम मतलब बराबर एज के हैं या ए जो है बड़ा है बी से। सी एंड डी आर ऑफ सेम एज और डी इज़ ओल्डर देन सी, मतलब सी या डी या तो सेम एज के हैं या डी बड़ा है सी से, तो बी इज़ ग्रेटर देन सी, बी इज़ ग्रेटर देन सी। अब आपको चूज़ करना था इसमें से ए इज़ ग्रेटर देन बी, बी एंड डी आर ऑफ सेम एज, डी इज़ ओल्डर देन सी, ए इज़ ग्रेटर देन सी, तो इसमें क्या हो जाएगा, आप जब सब पूरे को एक साथ बिठाओगे तो ए जो है वो बड़ा निकलेगा किससे, सी से। नेक्स्ट इन टू स्टैंडर्ड्स क्यूब्स, दो क्यूब लिया जाता है, 4 and 3 आर रिटन ऑन द फ्रंट फेसेस, उसके फ्रंट फेस पे एक पे 4 लिखा जाता है, एक पे 3 लिखा जाता है। What will be the sum of the number written on the opposite face? तो उसके अपोजिट फेस पे क्या लिखा मिलेगा, वो मिलेगा आपको 7, दोनों के जो सम होंगे। In a row of crows, A is 10th from the left and B is 9th from the right. A जो है लेफ्ट से 10th है और B जो है राइट से 9th है। A is 15th from left when they interchange position, जब वो एक दूसरे को पोजीशन चेंज कर लेते हैं तो A जो होता है वो लेफ्ट से 15th हो जाता है, तो हाउ मेनी क्रोज ऑन देयर रो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होता है आपको, ये लीनियर अरेंजमेंट में आता है क्वेश्चन, आंसर इसका आपका 23 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 इन अ रो ऑफ बॉयज अ बॉय रैंक 19th ऑन आइदर साइड, एक रो है बॉयज़ का उसमें से दो किसी भी साइड से ले लो तो एक लड़का जो है वो 19वें रैंक पे आता है, हाउ मेनी द्वार इन अ रो, तो रो में कितने बच्चे होंगे, कितने होंगे, अब ये 19वां है इधर से भी इधर से भी, अब दोनों साइड से काउंट करें तो ये दो बार काउंट हो जाएगा, इधर 18 होंगे इधर 18 होंगे, 18 कितने होंगे 36, और एक बार इसको काउंट करेंगे तो कितने हो जाएंगे 37। नेक्स्ट फिर अब एक डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आया है आपका, जिसमें 5 सिटीज़ दिए गए हैं कनेक्टेड विद डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल्स, ठीक है, और उसके बाद पूछा गया है आपको टी एंड आर कनेक्टेड बाय रेल एंड बस, विच व्हीकल कैन बी यूज्ड टू ट्रैवल टू आर आर क्यू, तो ये आपको पजल टाइप का क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना होगा। इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया है कौन से व्हीकल को यूज़ किया जाता है आर से क्यू तक ट्रैवल करने के लिए, ऐसे आंसर आपका दिया गया है बोर्ड, आप लोग इसको सॉल्व करोगे। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब क्या है, आपको क्वेश्चन मिल रहा है, आपने इसको पॉज करना है, पॉज करके सॉल्व करना है, आंसर आपके पास ऑलरेडी मार्क है सारे में, फिर आपको चेक करना है, आपको पता चलेगा कि आपका लेवल क्या है, मतलब आप सारे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पा रहे हो, कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, थोड़ी और प्रैक्टिस करना, नहीं कर पा रहे हो तो इन सब क्वेश्चन पे भी और अच्छी प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट विच पेयर ऑफ सिटीज़ आर कनेक्टेड इन एनी वे विदाउट गोइंग थर्ड सिटी, ये भी आपका उसी से रिलेटेड है, तो यहाँ क्वेश्चन आंसर आपका क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर इज मिसिंग, इसमें से कौन सा एक स्क्वायर मिसिंग है,
ठीक है, तो मिसिंग कौन सा है, मतलब यहाँ पे पूछ रहा है कि जनरली इसका पूछने का मतलब यहाँ पे जो स्क्वायर आएगा उसमें फिगर क्या रहेगा। तो आप पैटर्न देख पा रहे होगे, यहाँ से यहाँ से यहाँ से एक गायब हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर वन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ लेटर्स विच ऑफ नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ऑड वन आउट वाला है ये। इसमें आप जब देखोगे तो ये आपको मिलेगा, ऑप्शन नंबर वन जो है इसका सही हो जाएगा। अब आता है, इन फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर विच इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, सेट ऑफ नंबर्स में भी कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, मतलब इसमें भी ऑड वन आउट करना है, तीन तीन के जो होंगे वो मैच कर रहे होंगे, एक उस बेसिस पे मैच नहीं कर रहा होगा, तो जो मैच नहीं कर रहा है वो है आपका ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज मिसिंग, इसमें से कौन सा सिंबल एक जो है मिस कर रहा है, मिस कर रहा है, आपके पास चार ऑप्शंस दिए गए हैं, एक दूसरा तीसरा चौथा, इसमें से कौन सा मिस कर रहा है। तो क्वेश्चन शायद थोड़ा सा अनकम्प्लीट लग रहा है, बस या इसमें तो या तो पहला वाला करना है, मिस कर रहा है, हाँ ठीक है, तो इसका आंसर एक्चुअली शायद मे भी लग रहा है क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है फिगर वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज मिसिंग, सिंबल को मिसिंग कर रहा है बट आंसर आपका दे रहा है वन, ठीक है, इस क्वेश्चन को हल्का सा स्किप कर दो। नेक्स्ट पे अगर आते हैं, तो वैल्यू ऑफ एक्स इन सीक्वेंस, इसमें जो सीक्वेंस बन रहा है उसमें एक्स का वैल्यू क्या होगा, मतलब 3 1/2, 2 1/3, ये सब सॉल्व करते हुए जब जाओगे आगे तो एक्स का वैल्यू कहाँ क्या बन के निकलता है, उसके अनुसार एक्स का वैल्यू आपको कहाँ तक निकलेगा, 7, एक्स का जो आंसर आ रहा है वो 7 है। द फोर्थ नंबर इन सीक्वेंसेस, इसमें से जो चौथा नंबर सीक्वेंस, एक पहला ये आपका दे रखा है, पहला दूसरा तीसरा, जो चौथा नंबर आएगा वो कौन सा आएगा, तो 3:29, 3:29/32। द नेक्स्ट नंबर इन सीक्वेंस, ये भी आपका सीक्वेंस वाला है, जो मिसिंग नंबर है उसको आपको सॉल्व करना है, उसमें आपका जो आंसर निकल के आ रहा है वो क्या कौन सा आ रहा है, 86, आपको सीक्वेंस को गैस करना है, क्या ये घट रहा है बढ़ रहा है कैसे हो रहा है, तो नेक्स्ट नंबर को आपको डिटेन करना होगा। नेक्स्ट ये एनालॉजी का क्वेश्चन अब आया गया, इफ़ इतना मींस इतना, इतने को इतना कहा गया है, इतने को इतना कहा गया है, तो इतने का मतलब आपको बताना है, जब आप सॉल्व करोगे तो आपका ऑप्शन नंबर ये निकलेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रीअरेंज्ड टू फॉर्म ए मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड, इनमें से कौन सा को एक रीअरेंज कर एक इंग्लिश मीनिंगफुल वर्ड बनाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर थ्री को जो आप मीनिंगफुल रीअरेंज करोगे तो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। फिर से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, 583 रिलेटेड टू 293, तो 482 रिलेटेड टू कितने से होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर टू आपका 378 से। अब BF इज रिलेटेड टू HL, तो EI रिलेट करेगा किससे, ठीक है, 11, हाँ के, और फिर उसमें करेंगे 6, तो 9, 6, 15, हाँ ठीक है, इसमें देख पा रहे हो दो दो छः छः जोड़ना है, बी का अल्फाबेटिक वैल्यू कितना है, न्यूमेरिकल वैल्यू आप देखोगे तो उसका 2 है, 2 से 8 चला जा रहा है, 6 का डिफरेंस है, यहाँ ई से 6 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 11 मतलब के, और आई 9 में 6 जोड़ोगे तो 15 15, मतलब ऑप्शन नंबर 2 आपका इसमें सही है। रबर इज रिलेटेड टू ट्री एंड सिल्क इज रिलेटेड टू वॉम, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही है। होडोर स्टैंड एट सनराइज इन सच अ वे दैट हिज शैडो इज फॉलिंग ऑन हिज राइट, वेयर इज द होडोर्स फेस, ठीक है, मतलब होडोर इस टाइप से सनराइज के टाइम पे खड़ा है कि उसका शैडो जो है उसके राइट में आ रहा है, तो उसका फेस किस डायरेक्शन में होगा, तो उसका फेस किस डायरेक्शन में रहा होगा, साउथ में। नेक्स्ट, अब वाई वॉक्स 20 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन, एक जो लड़का है वो 20 मीटर नॉर्थ में चलता है, फिर टर्न राइट हो जाए, फिर 30 मीटर चलता है, फिर राइट मुड़ता है, 35 मीटर चलता है, फिर लेफ्ट मुड़ के 15 मीटर चलता है, फिर लेफ्ट मुड़ के वो 15 मीटर चलता है, तो उसका जो लास्ट प्लेस है वो स्टार्टिंग प्लेस से किस तरफ और कितना दूर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 45 मीटर ईस्ट, या आपको कॉपी जैसे आप जो जो आपको कहता है ना वो आप इस तरीके से इसमें सॉल्व कर देना, एक बॉय का कोई स्टार्ट कर लेना, नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है तो नॉर्थ में गया 20, फिर राइट में गया 30, फिर यहाँ से राइट में आया 35, फिर लेफ्ट मुड़ा तो लेफ्ट मुड़ेगा इधर जाके 15, फिर लेफ्ट मुड़ेगा इधर जाके 15, तो अब इसका स्टार्टिंग यहाँ से किया था तो ये डायरेक्शन आपको
या ये डायरेक्शन जो भी यहाँ पे थोड़ा सा कॉपी वो लाइन वाइज क्वेश्चन होगा वो कॉपी में आपको बनाओगे तो आपका आंसर निकल गया। आंसर क्या है 45 मीटर ईस्ट। नेक्स्ट ए इंटू बी दैट ए इंटू बी मीन्स ए इज़ टू साउथ ऑफ बी, मतलब ये भी आपको दिया गया है जैसे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आते हैं वैसा क्वेश्चन दिया है कि इंटू का मतलब दे दिया है कि साउथ है, प्लस का मतलब नॉर्थ है, परसेंटेज का मतलब ईस्ट है, माइनस का मतलब वेस्ट है। इसको आपको सॉल्व करना है बाद में कि कौन सा डायरेक्शन में रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो आपका निकल के आएगा वो साउथ ईस्ट। 23 राजा वॉक्स 90 मीटर टुवार्ड ईस्ट, राजा 90 मीटर ईस्ट की ओर चलता है, फिर राइट मोड़ के 20 मीटर चलता है, फिर राइट मोड़ के 30 मीटर चलता है, फिर नॉर्थ टर्न करके वो 100 मीटर चलता है, तो हाउ फिर स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूरी पे है, तो निकालोगे जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आपका 100 मीटर्स आएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड शेयर सिमिलर कैरेक्टर्स विद डर्टी बेरी गचर, मतलब ये चार जो वर्ड दिए हैं इन्हीं से एक मिलता जुलता ऑप्शंस में, चार ऑप्शंस में कौन सा एक वर्ड है, तो वो है आपका पार्ट। अभी क्वेश्चन आया है आपका मिसिंग नंबर वाला, इसको आपको सॉल्व करना है द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे एक्स मतलब क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप एक्स मान लो, इसका वैल्यू आपको बताना है, तो ये आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, यहाँ पे आप डिफरेंस ले सकते हो, मल्टीपल्स देख सकते हो, बहुत कुछ देख सकते हो। आंसर आपका क्या आएगा, 13 आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे लॉजिक फाइंड कर पा रहे होगे तो देखो सबका सम करोगे आपका, तो सबका सम यहाँ भी 100 आ रहा है, यहाँ भी 100 आ रहा है, तो यहाँ भी 100 आना चाहिए, तो 100 पूरा करने में हमें 13 और जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ का वैल्यू कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के ही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। इफ़ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट देन वेस्ट बिकम, मतलब ये पूछा गया है कि अगर साउथ ईस्ट को नॉर्थ कहा जाए, नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट कहा जाए, तब वेस्ट को क्या कहा जाएगा, तो वेस्ट को हम लोग क्या कहेंगे, वेस्ट को हम लोग साउथ ईस्ट कह देंगे। इन ए कोड एयर इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड स्काई, स्काई इज कॉल्ड येलो, एंड येलो इज कॉल्ड वाटर, व्हाट विल द कलर ऑफ क्लियर स्काई, क्लियर स्काई का कलर क्या होता है, ब्लू, ब्लू को क्या हम कहते हैं, ब्लू इज कॉल्ड स्काई, हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, स्काई। फिर आता है आपका जेड का मतलब इतना है, आर का मतलब इतना है, तो जे जे का मतलब क्या होगा, ऑप्शन आपको दे रखा है, ऑप्शन कितना हो जाएगा 125। ठीक है, अगर आप लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको भी मैं बता दूं आपको कैसे सॉल्व किया गया है। जेड का देखो, जेड का न्यूमेरिक वैल्यू अल्फाबेटिक वैल्यू क्या होता है, 26, 26 का आधा करोगे उसका क्या किया गया है क्यूब, 18 का क्या, आर का क्या होता है 18, 18 का आधा 9, 9 का क्या किया गया है क्यूब, जे का न्यूमेरिक वैल्यू कितना होता है 10, 10 का आधा किया गया है 5, 5 का क्यूब क्या होता है 125। तो इस टाइप से आपको कोरिलेट करना पड़ता है सारे चीज़ों को। देखो 129, 10 टैक्सीज प्ले बिटवीन चेन्नई एंड 10 टैक्सीज प्ले बिटवीन चेन्नई एंड पुडुचेरी इन हाउ मेनी वेज एक्स गो फ्रॉम चेन्नई टू पुडुचेरी एंड रिटर्न डिफरेंट टैक्सी, मतलब ये आपका प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन गुजार दिया, तो यहाँ पे आप कितने तरीके से बना सकते आ सकते हो 90 तरीके से। 130, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द 9 डिजिट 1 to 9 बाई यूजिंग 6 डिजिट, मतलब 1 से लेकर 9 तक 6 डिजिट का यूज करते हुए हम लोग कितने नंबर बना सकते हैं, तो कितने बना सकते हैं 60,480। 131, इफ़ जेड इज़ 52, एक्ट इज़ 48, तो बैट इज़ इक्वल टू कितना होगा, सिंपल यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जेड का न्यूमेरिक वैल्यू 626 होता है, इसका डबल किया गया है, आप यहाँ देखना कोशिश करोगे तो 20 4 20 3 23 और एक 24, 24 का डबल 48 है, तो इसको जोड़ के आप सीधे डबल कर दो वही आपका आंसर आएगा, 20 और 1 21 और 2 23, 23 का मतलब कितना है 46, 46 आपका आंसर सही है, और सही है, करेक्ट आंसर 4 ही है। 132, यहाँ भी एक दिया गया है आपका कोडिंग डिकोडिंग वाला, इफ़ कोड 134 स्टैंड होता है गुड एज टेस्टफुल, 478 स्टैंड करता है लुक्स गुड पिक्चर, 729 पिक्चर इज़ ब्लरी, मींस लुक्स का मतलब आपको बताना है लुक्स कहाँ पे, तो सबको आपको कॉमन फाइंड करना रहता है, इसमें करेक्ट आंसर आपका 3 हो जाएगा, जिसमें 8 जो हो जाएगा उसका कोड हो जाएगा। 133 पे अब हम लोग पहुँच चुके हैं, इफ़ रोज़ इज़ कोडेड एज इतना, रोज़ को इस तरीके से कोड किया जाता है, चेयर को इस तरीके से किया जाता है, और सर्च को किस तरीके से किया जाएगा, तो वो आपको पहले लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको सॉल्व आप कर सकते हो कि रोज़ का कोड अगर इस तरीके से लिखा गया है, चेयर का इस तरीके से लिखा गया है, तो आगे हम किस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो सर्च को किस तरीके से लिखा गया है, 21467।
थ्री, ठीक है। अब आपको फीवर वाला नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी फीवर फीवर वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें हल्का सा कन्फ्यूजन है। और सेलेक्ट द फिगर दैट कंटिन्यूज द गिवन सीरीज, मतलब ये जो सीरीज आ रहा है इसको कंटिन्यू करे तो उसमें से अगला फिगर कौन सा होगा। तो आपके पास चार फिगर हैं, चार फिगर हैं, ऑप्शन ये दिया है ऑप्शन नंबर फोर को। तो ये पहले ऐसे है, फिर ऐसे, फिर घूम रहा है, फिर घूम के आ गया इस तरीके से। ऑप्शन नंबर फोर इसमें करेक्ट दिखा रहा है। आप एक बार इसको क्या करना ना, इसको रोक के और अपना ऑप्शन एक बार ऐसे देखो, मैंने यहाँ पे रोक दिया वीडियो, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन कवर हो गए, स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद दो ऑप्शन यहाँ पे कवर हो जाएंगे, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कर लेना। फिगर वाला थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इस पेपर में। फिर से एक फिगर वाला है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेलेक्ट द फिगर कंटिन्यू द गिवन सीरीज, मतलब दोनों साइड से बीच में जो सीरीज को कौन सा कंटिन्यू करें। देखो सर्किल में स्क्वायर है, फिर स्क्वायर में ट्रायंगल है, फिर अब जो कुछ आएगा वो ट्रायंगल में ही कुछ आएगा। ट्रायंगल में शायद ये वाला फिगर आए जो आगे है, बट इसमें तो ऑप्शन ही अलग दे रखे हैं, ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सारे फिगर्स हम देख पा रहे हैं यहाँ पे। सर्किल में स्क्वायर है, फिर जो अंदर है वो बाहर आ गया, फिर स्क्वायर में ट्रायंगल है। तो यहाँ पे होना चाहिए था ट्रायंगल में, और ये फिगर आना चाहिए था आपका क्या, यहाँ स्क्वायर बाहर है, तो यहाँ जो स्क्वायर यहाँ अंदर है तो ये फिर बाहर निकला, तो यहाँ जो अंदर रहेगा वो बाहर निकलेगा, मतलब ये ट्रायंगल में आपका होना चाहिए था क्या ये, बट थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है फिर भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अब ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आया फिर से, इन हाउ मेनी वे फाइव टॉयज सेलेक्टेड आउट ऑफ 12 टॉय इन पर्टिकुलर वे ऑलवेज इंक्लूडेड, इसमें कौन सा आएगा, 330 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एक्स एंड वाई रोल्स टू डाइस एंड एक्स स्टार्टेड द गेम देन द रेशियो ऑफ देयर चांसेस ऑफ गेटिंग 9 फर्स्ट, मतलब क्या चांस होगा, एक्स और वाई दो रॉयल डेस करते हैं, उसमें ये पहला करता है तो 9 आने का चांस कितना रहेगा। करेक्ट आंसर आपका 9:8। फिर देर आर 9 बॉल्स इन बॉक्स, 2 इज रेड, 3 इज ब्लू, 4 इज ब्लैक, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट बॉल इज डिफरेंट कलर, 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, मतलब 9 बॉल हैं, 2 रेड हैं, 3 ब्लू हैं, 4 ब्लैक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा डिफरेंट कलर के 3 बॉल आने के एट रैंडम अगर हम सेलेक्ट करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा, 2/7। हाउ मेनी लेटर विल नॉट चेंज द पोजिशन इफ इतना इज लेटर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब इसका जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है उस ऑर्डर में हम अगर प्लेस करते हैं, तो जो पहले आता है उसको पहले, जो बाद में आता है उसको बाद में, तो कितने लेटर्स का जो पोजिशन है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, A man puts 9 peanuts in each saucer and 2 saucers are left empty. He tries again and this time puts 6 peanuts in each saucer. Now he is left with 3 peanuts. How many saucers did he have? तो ये भी क्वेश्चन आपका उसी टाइप लगभग उसी टाइप का स्टैटिक्स की तरह रिलेट कर रहा है। इसका आंसर आपका क्या दिया गया है, इसका आंसर आपको 7 दिया। तो आप लोग देख पा रहे हो प्रोबेबिलिटी से काफ़ी क्वेश्चन हैं, एनालॉजी से काफ़ी क्वेश्चन हैं आपका फिर, लेकिन क्वेश्चन कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। फिगर वाले जो क्वेश्चन है वो थोड़े कंफ्यूजिंग है। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है शायद, हाँ यहाँ पे देखो ऊपर वाला जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था ना, उसमें सारे ऑप्शन उस टाइप से नहीं थे, बट यहाँ वही उसी टाइप के ऑप्शन दिए हैं, जैसे सर्कल में स्क्वायर, फिर स्क्वायर में ट्रायंगल, तो यहाँ पे कुछ ट्रायंगल में होना चाहिए। तो देखो ऑप्शन अब करेक्ट नंबर 3 दिया है ना, जो मैंने वहाँ पे बताया था पिछले क्वेश्चन में कि ये वाला पहले ट्रायंगल होगा, फिर जो नेक्स्ट फिगर होगा वो इसके अंदर होना चाहिए, तो ये ऑप्शन है यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। विच पेयर ऑफ फिगर हैव सेम रिलेशनशिप विद द फिगर, अब देखो फिगर आपको दे रखा है यहाँ पे, फिगर फ्लॉन्ट किया जा रहा है, देखो ये जो है फिर उल्टा हो जा रहा है, तो ये तो नहीं, दूसरा भी नहीं, हाँ ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, उसी की तरह हो रहा है, क्योंकि वो जो ऊपर वाला ऐसे था, एक एरो इस बॉक्स में है, फिर दूसरा एरो आपका, दो एरो इस डायरेक्शन में है इसका, ये भी देखो ये ऊपर गोल है, नीचे इस तरह का है, फिर ये जस्ट उल्टा होके 2 हो गया, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इन द फेस ऑफ क्लॉक, फेस ऑफ क्लॉक इज डिवाइडेड इंटू 3 इक्वल पार्ट सच दैट सम ऑफ डिजिट इज ईच पार्ट इज इक्वल सम विल बी, कितना हो जाएगा 26। इन हाउ मेनी डिफरेंट वे द लेटर ऑफ वर्ड बैंक कैन बी रीअरेंज्ड, इसमें क्या होता है बैंक डिफरेंट वे में हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो इसमें भी आपको प्रोबेबिलिटी लगे 4 वर्ड हैं और कितने तरीके में हम इसको अरेंज कर सकते हैं, तो कितने तरीके में कर सकते हैं हम लोग इसको 24 तरीके से कर सकते हैं।
इफ़ वर्क इज़, अब फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन है, वर्क इज़ कोडेड एज इतना, मतलब वर्क को कोड किया जाता है इस तरीके से, वुमेन को कोड किया जाता है किस तरीके से, वही आपको पूछा है। अगर वर्क को इस तरीके से कर रहे हो तो वुमेन को किस तरीके से आप करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 46 क्या कह रहा है, इफ़ ड्राइवर 12, पेडिस्ट्रियन 20, एक्सीडेंट 16, द कार विल बी, मतलब ड्राइवर का 12 दिया गया है, पेडिस्ट्रियन का 20 दिया गया है, एक्सीडेंट का 16 दिया गया है, 3, 6, 2, 8, मतलब कार का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखो इतना सिंपल सा है, बिना पेन लगाए हम लोग इसका आंसर कर सकते थे कैसे, पूरे वर्ड्स को लिख के यहाँ पे डबल कर दिया गया, ये 6 है तो इसका 12, ये 10 है, 20, यहाँ 8 है तो 16, 3 है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6, आंसर सही है ये। नेक्स्ट, टिकट्स फॉर द म्यूजियम फॉर 2 अडल्ट एंड 2 चिल्ड्रन कॉस्ट इतना, मतलब 2 अडल्ट और 2 चिल्ड्रन का कॉस्ट कितना है, 24। इफ़ कॉस्ट ऑफ द टिकट फॉर द चाइल्ड इज हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ टिकट, मतलब एक चाइल्ड का जो कॉस्ट है वो एक अडल्ट का आधा है, तो कॉस्ट ऑफ टिकट फॉर एन अडल्ट, तो अडल्ट का पूछा है आपका, तो अडल्ट का कितना आ जाएगा, 8 रुपये, अडल्ट का 8 रुपये के हिसाब से करोगे तो 2 अडल्ट कितने आ गए, 16, और 2 चाइल्ड कितने हो जाएंगे, फिर से 8, तो 8 और 16 कितने हो जाएंगे, 24, 24 आपका दे रखा है, तो अडल्ट का उस हिसाब से आप सॉल्व कर लोगे, ऑप्शन से भी आप सॉल्व कर सकते हो। असेंडिंग ऑर्डर आपका पूछा है, ये नंबर दिया गया, इसको असेंडिंग ऑर्डर में मतलब छोटे से बड़े की ओर सजाएंगे तो क्या आपका निकल के आएगा, तो पहले √2, फिर √4, इधर 3 है, √6 पे 4 है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये तो नहीं होगा, सबसे छोटा तो √2 ही होना है, 2 ऑप्शन हमारे √2 से फंस रहे हैं, एक ये और एक ये, तो ये वाला तो फिर वही है जो यहाँ पे दे रखा है, बट ये इन दोनों में छोटा कौन सा होगा, इन दोनों में छोटा ये वाला होगा, ये वाला बड़ा होगा, तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वो आपका। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, बी का वैल्यू आपको दे रखा है, ए का वैल्यू दे रखा है, तो कौन सा सही होगा, बी को जब आप सॉल्व करने जाओगे -55 -2, माइनस माइनस कट जाएगा, बी का वैल्यू 25 आ गया, ए के सॉल्व करोगे तो ए का स्क्वायर जब इसका करोगे तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, ए भी 25, बी भी 25, तो ए इज इक्वल टू बी आपका सही हो जाएगा इसमें। लास्ट क्वेश्चन है आपका, मिनिमम मल्टीपल ऑफ 7 दैट लीव रिमाइंडर ऑफ 4 व्हेन डिवाइडेड बाय इतना, एक जो मिनिमम मल्टीपल है, मतलब 7 के कितने मिनिमम मल्टीपल होंगे जो जिनको इन नंबर से डिवाइड किया जाएगा, तो हर एक का रिमाइंडर क्या बचेगा, 7 ही, मतलब 4 ही बचेगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका, 364। इसको आप एलसीएम और एचसीएफ वाले फॉर्मूले से लगा के सॉल्व कर सकते हो, जिससे कि ये आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपके 150 क्वेश्चन, हम लोग ने 150 क्वेश्चन देख लिए, एक सेट आपका और है वो आएगा 150 क्वेश्चन का, और टोटल आपके प्रीवियस ईयर के कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 300 क्वेश्चन। तो आई होप आपको वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा, क्योंकि आपको एक तरीके से पता तो चले ही जाएगा कि पेपर किस टाइप्स का पूछा जाता है, जैसे कि आप अपने तैयारी को, अभी तो पेपर होने में कम से कम 1-2 से 2.5 महीने का टाइम लगेगा, जनवरी फरवरी से पहले पेपर नहीं होगा, तो अभी आपके पास नवंबर दिसंबर 2 महीने का टाइम तो बिल्कुल है, तो आप अपने प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से बूस्ट कर सकते हो कि कहां कहां से कौन से क्वेश्चन, कितने लेवल के क्वेश्चन जीके में या साइंस में, जो मुझे सबसे, मेरे हिसाब से अगर पूछोगे तो सबसे जो अगर टफेस्ट कहो तो साइंस का जो पेपर है वो थोड़ा लेवल रखता है, बाकी जीके का भी कुछ खास नहीं था अगर अदर एग्ज़ाम के कंपेयर में कहो, और मैथ्स रीजनिंग तो उतना नहीं था, तो साइंस का जो पेपर है वो थोड़ा सा था। अब इसमें किस पेपर में बायो से ज़्यादा पूछ दे, या हो सकता है फिजिक्स से ज़्यादा पूछ दे, केमिस्ट्री से ज़्यादा पूछ दे, वो किसी के पता नहीं होता, बट इस पेपर में आप देख सकते हो कि साइंस थोड़ा सा अप लेवल का था। अब नेक्स्ट पेपर भी हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट ये वीडियो आपकी आज आ गई, नेक्स्ट वीडियो आपका कल या फिर कल के बाद, मतलब कल ही आ जाना चाहिए, ठीक। और इसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, तो प्लेलिस्ट को आप विजिट कर लोगे, वहाँ से आपको ढूंढने में आसानी होगी, अगर चैनल पे कोई लोग आते हैं उनको नहीं मिल पाता है, तो प्लेलिस्ट बना हुआ है BSSC इंटर लेवल का, वो वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हो बहुत आसानी से। चलो ठीक है, जो लोग चैनल पे अगर नए होंगे वो सब्सक्राइब कर लेंगे, और हाँ एक इंपॉर्टेंट बात, वो जो मैंने कहा था कि अगर आपको कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स के वीडियो चाहिए होंगे चैनल पे, मतलब बिहार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके में, तो बिहार का जीके चाहिए होगा, या मैथ्स का चाहिए होगा, या रीजनिंग का चाहिए होगा टॉपिक वाइज, तो वो आप लोग बता देना, उस हिसाब से क्या तैयारी वीडियो बना के डाली जाएगी, ठीक है। चलो थैंक यू।